वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी स्टाइल्स। मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं शिवी स्टाइल्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, या बहुत एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। और कुछ लालच के चक्कर में आके ना आप मेरी जैसी गलती मत कर देना यार, प्लीज़। तो वो बातें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। शायद ये वीडियो हो भी सकता है लंबी हो और हो भी सकता है नई भी हो, नॉर्मल वीडियो हो जाए। तो मैं क्या शेयर करने वाली हूँ ना आप लोग के साथ, मुझे लगता है कि लोग मेकअप, क्योंकि मेरा जो नीश है वो ऑब्वियसली मेकअप से रिलेटेड है, तो मैं बताती हूँ आपको कि हर तरीके से किस किस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, किस किस तरीके से मेकअप यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ अगर इस दुनिया में आई है, एग्जिस्ट करती है, तो ऑफ कोर्स उसका अंत भी होना है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इस चीज़ को जोड़ रही हूँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग से और एक्सपायरी से, ठीक है। तो अगर कुछ स्मार्ट लोग होंगे जो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या होने वाला है और क्या बोलने वाली हूँ, तो कुछ लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मैं हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो मैं हूँ आपकी शिवांगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी बातें मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ। प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा कि शायद आप लोगों को अपनी आँख, मतलब ऐसा ना हो, भगवान ना करे, लेकिन ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या कह लो कि जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उन्हें यूज़ कर लेते हो तो हो सकता है कि आपकी आँखें तक खराब हो जाएं, आपकी स्किन तक खराब हो जाए। प्लीज़ ऐसा मत करना। मैं बात करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में, एक प्रोडक्ट नहीं यार, पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी मैं। बेसिकली क्या हुआ था, अभी आप देख सकते हो मेरी आईज पे और मेरे लाइनर लगा हुआ है, ठीक है, यू कैन सी। तो ये तीन लाइनर है, मतलब तीन लाइनर कैसे, मैं सारी आपको सारी चीजें समझाती हूँ। फर्स्ट मैंने एक लाइनर लगाया ब्लू हेवन का, ठीक है, वो भी मैंने पर्पल से मंगाया था। ब्लू हेवन का लाइनर लगाया तो वो काफी मतलब ठीक नहीं लगा मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कौन सा लगाया था मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे NYB का ये वाला लाइनर लगाया, और उसके बाद मैंने लगाया था कलर एसेंस का एक्सट्रीम। ऐसा क्यों किया, बिकॉज फर्स्ट वाले में थोड़ा सा मेरे को पिगमेंटेशन नहीं मिली तो मैंने नहीं लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था NYB का लाइनर, आई लाइनर था 6 ml की क्वांटिटी। यार सबको पता है कि NYB का सिंपल एक लाइनर होता है जिसे आप यूज कर सकते हो, जिसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ्स तक की होती है। तो अब इसमें हुआ क्या है कि ये सब यहाँ पे मेंशन करते हैं कि शेक इट वेल बिफोर द यूजिंग एंड ऑल, ये सब चीजें सब मेंशन करते हैं। हुआ क्या कि जब मैंने इसे अपनी आईज पे लगाया, जैसे मैंने अपनी आईज पे इसे एक बोल्ड आईलाइनर की तरह यूज किया, तो ये मेरी थोड़ा सा आंख में चला गया था, और यहाँ पे धीरे 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 इचिंग स्टार्ट हो गई। बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल की इचिंग मेरे पे आईज पे स्टार्ट हो गई थी, और आंखों में भी चला गया बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की। मैंने पूरा मेकअप किया हुआ, मेरे को पूरा मेकअप धो के आना पड़ा, मैंने पूरा फेस अपना धो के आना पड़ा, बिकॉज मेरी आईज पे ना मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत ही ज्यादा इचिंग स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज्यादा यू नो जलन होने लगी थी मेरी आंखों पे, ऊपर ऊपर वाले, मतलब मैं कई टाइम से इसे फील भी कर रही हूँ कि मेरे को ना पता नहीं क्यों यहाँ पे खुजली होती है। पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है नहीं हुआ है ऐसा, बट इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद ना मेरी आईज लिटरली बर्न करना स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, इचिंग हो गई थी, बर्निंग सेंसेशन होने लगी थी। सिर्फ एक ही चीज है कि भाई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो मतलब शायद आपको, मुझे लग रहा है तो ये मेरे को मतलब 36 महीने यार, 12 12 14 36, 3 साल की वारंटी है, ठीक है, मतलब 3 साल की एक्सपायरी आती है इसकी, और मुझे लगता है ये अभी एक्सपायर भी नहीं हुआ होगा। एक्सपायर वाले प्रोडक्ट्स आपको कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। क्यों, क्योंकि वो देखो एक्सपायर हो जाते हैं, उनका रहने का मतलब जिस तरीके से वो दिखते हैं ना वो वैसे ही होते हैं, बट उसके अंदर के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो शायद यू नो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, और वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, वो फिर उसके बाद उल्टा ही रिएक्शन हो जाता है आपके फेस पे, आपकी आईज पे, आपके लिप्स पे, जब आप इन्हें यूज करते हो। तो ना तो आपको लिपस्टिक यूज करनी है,
जो एक्सपायर हो चुकी है, ना आपको लाइनर यूज करना, ना आपको काजल यूज करना। यार ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं आपके फेस के लिए, आपको ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है। एंड द लास्ट थिंग, ये प्रोडक्ट भाई अब मैं यूज नहीं करने वाली हूँ। मेरे को मतलब मैं ना बिल्कुल ही खत्म होने वाली थी इस चीज में, बहुत ही ज्यादा मेरे आईज में प्रॉब्लम हो गई थी। और जस्ट अभी की बात है ये, इसलिए मैंने सोचा कि इस ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यही थी आज का एक छोटा सा ज्ञान मेकअप के लिए, जो आपको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, और कुछ इस तरीके के अगर प्रोडक्ट्स हैं तो आप पहले एक पेस्ट टेस्ट कर लो, उसके बाद ही यूज करो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से नहीं कर रहा है। अगर आंख में गया तो दिक्कत हो सकती है, आंखें खराब भी हो सकती हैं आपकी, और तो आपको इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना है, इस तरीके का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है जो आपकी आंखों को प्रॉब्लम दे, आपकी आईज को हार्म करे, आपकी स्किन को हार्म करे। सो यही थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जितनी भी वुमेन अपने आईलाइनर या आई काजल वगैरह कुछ भी अगर ऐसा यूज करती हैं, प्लीज स्टॉप दिस, मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज ना करें। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।